वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम लोग कैसे इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे और क्या नीड है हमें सी लैंग्वेज पढ़ने की, ठीक है। तो आज देखते हैं कि हमें सी लैंग्वेज का कैसे यूज़ होगा कंप्यूटर सिस्टम के साथ, ठीक है। जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनसे सी लैंग्वेज कैसे बेटर है, ठीक। ओके, तो आज शुरू करते हैं, देखते हैं। जैसे कोई यूज़र होता है, ठीक है, कोई यूज़र होता है, वो इंस्ट्रक्शंस कुछ प्रोग्राम बनाता है, ठीक है। वो प्रोग्राम कुछ नहीं बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जैसे मेन होगा, कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करना होगा, कुछ स्टेटमेंट का काम होगा, ऐड करना है, फिर रिजल्ट आउटपुट शो कराना है, तो इस तरह का एक प्रोग्राम होगा, ठीक है। वो प्रोग्राम हम जब कंप्यूटर पे रन कराते हैं, जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर है उस पे जब हम रन कराते हैं, तो जो भी काम हम करवाना चाहते हैं वो कंप्यूटर रन करता है और वो आउटपुट हमें दे देता है, ठीक ठीक है। अब दो चीजें हैं, पहला कि हमारा जो कंप्यूटर जो वर्क करता है, तो कंप्यूटर तो कुछ नहीं बट हार्डवेयर होता है प्लस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो जो हमारा हार्डवेयर होता है वो इन इंस्ट्रक्शंस को कैसे समझेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो कंप्यूटर के लिए जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, जो इंस्ट्रक्शन समझता है, उसे कहते हैं मशीन अंडर स्टैंडेबल, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड या मशीन लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना होगा जो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड हो, जो कंप्यूटर समझ सके और आउटपुट दे। तो जो मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड होता है वो बहुत ही लॉन्ग होगा, और एक चीज, जैसे कंप्यूटर है वो बाइनरी, जो कि ये जो मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, ठीक है, बाइनरी लेवल की कह सकते हैं। बाइनरी लेवल मींस 0 और 1, तो एक जैसे 0 1 0 1 1 0, इस तरह का जैसे बाइनरी में पैटर्न होगा। आप कोई भी डेसिमल दो, 10 15 20, उसे सबसे पहले वो बाइनरी में चेंज करते हैं। बाइनरी में जो चेंज होके जो इसके पास आता है कंप्यूटर, सिर्फ वो इस पैटर्न को ही समझता है। एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा, उस स्पेसिफिक पैटर्न का एक स्पेसिफिक काम होगा, तो कंप्यूटर उसको समझेगा और उससे रिलेटेड आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो हमें मशीन लेवल कोड लिखना होगा, और मशीन लेवल इसलिए 0 1 में समझता है, जैसे हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर में आप जानते हो किसी सर्किट में अगर, जैसे ये वायर है, तो इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो 1, ठीक है, करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो 0 1 0, लाइक इस तरह के पैटर्न में वो इजीली समझ लेता है, क्योंकि हार्डवेयर है, ठीक है। इसलिए बाइनरी लेवल का कोड यूज होता है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। अब हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो कुछ अलग ही होता है, जैसे ऐड करना है तो ऐड लिख दिया, प्लस लगा दिया, वो ये कैसे समझेगा। इसका मतलब हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो पहले मशीन लेवल लैंग्वेज में या मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में, कोड में कन्वर्ट होता है, फिर हमारे कंप्यूटर को रन करने को मिलता है, ठीक। तो जो ये हमारा बीच में प्रोग्राम है वो कैसे कंप्यूटर को दिया जा रहा है, उसके लिए लैंग्वेजेस आई थी, ठीक है। हम लोगों को जो प्रोग्राम बनाने के लिए लैंग्वेजेस मिली हैं उनका, अब उनमें कंपैरिजन इसलिए देखेंगे कि हम किस लैंग्वेज, कोई भी अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो किस लैंग्वेज में बनाएं जिससे हमें ज्यादा फायदा हो, ठीक है, जो इजीली जल्दी से रन हो जाए, और अगर हमें देखना हो कि हमने जो कोड बनाया है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या एरर्स हैं, तो इजीली फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। और जो हम प्रोग्राम बनाए वो इजीली अंडरस्टैंडेबल भी हो। जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करोगे तो वहां पे एक नहीं बहुत सारे लोगों की टीम होती है, 10 लोग 15 लोग एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं। तो जो आपने कोड लिखा, मान लो आपने कोड लिखा, लिखने के बाद 6 मंथ बाद आप वहां से जॉब छोड़ के कहीं और चले गए, तो दूसरा जो बंदा आएगा
दूसरा जो इंजीनियर आएगा उस पर काम करने, तो वो कैसे समझेगा कि आपने क्या कोड लिखा है, तो वो कैसे उसमें अगर कुछ नई चीज डालनी होगी तो कैसे डालेगा। ठीक है, तो ऐसा कोड होना चाहिए जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो, कोई भी पढ़ के समझ जाए कि क्या हो रहा है इस कोड में, ठीक है, या हमें कैसे प्रोग्राम बनाना है। तो इसलिए बहुत सारी लैंग्वेजेस आई, जो इनिशियली पहली लैंग्वेज थी वो थी कि डायरेक्टली यूजर क्या करे, जो प्रोग्राम किसी और लैंग्वेज में बनाने के बजाय जो कंप्यूटर समझता है मशीन लेवल कोड वही लिखने लगेगा डायरेक्ट, मशीन लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हो इसे, मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज में ये बाइनरी में होगी, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जो 0 1 में होगी, जो कि किसी भी यूजर के लिए बहुत ही टफ होगा उसे कोड लिखना, क्योंकि हमें नहीं पता है कि किस स्पेसिफिक पर्पस को समझने के लिए कंप्यूटर किस तरह का पैटर्न मांगता है। जैसे मान लीजिए ऐड करना है तो क्या 0 1 0 मांग रहा है, 1 0 1, तो ये याद नहीं कर सकते हो आप, बहुत टफ होगा हमारे लिए कोड करने के लिए। ठीक है, तो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि जो हमारा यूजर होगा, ठीक, उसको कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर कौन सा उसका आर्किटेक्चर है, मेमोरी से कैसे उसे काम करना है, सीपीयू मेमोरी में कैसे काम होगा, सब कुछ पता होना चाहिए, जो कि एक यूजर के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारी इसके साथ बहुत प्रॉब्लम होने की वजह से दूसरी जो लैंग्वेज आई, ठीक है, जो सेकंड लैंग्वेज आई वो थी असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक है, एक हो गई मशीन लेवल लैंग्वेज, दूसरी आई असेंबली लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल। ठीक है, जो हमारी असेंबली लेवल लैंग्वेज थी उसमें क्या करते थे, 0 1 में कोड ना करके, ठीक है, 0 1 में कोड नहीं करके किसमें, सिंबोलिक फॉर्म में करते थे, सिंबोलिक फॉर्म। सिंबोलिक फॉर्म जैसे आपको 5 और 6 का एडिशन अगर करना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, एड 5, 6, एड 5, 6। ठीक है, तो इस तरह सिंबोलिक फॉर्म में लिखने लगे, तो थोड़ा ह्यूमन रीडेबल भी हुआ। ठीक है, तो जब ह्यूमन रीडेबल हुआ उसके बाद इजी भी राइट था, मतलब राइट करने के लिए भी इजी था, आप ऐड लिखो 5, 6 लिखो, ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या था, अब ये मशीन लेवल लैंग्वेज तो है नहीं, इसका मतलब जो भी इस लैंग्वेज में लिखा जाएगा प्रोग्राम पहले उसे मशीन लेवल में चेंज करेंगे तो कंप्यूटर समझ पाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है कोड को, तो जो ये प्रोग्राम लिखेगा उसको एक हम असेंबलर को देंगे। ठीक है, वो असेंबलर क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट बंदा होगा या प्रोग्राम ही होगा आप समझ लो, तो असेंबलर क्या करेगा, इस लेवल के प्रोग्राम में जो लिखा होगा उसको मशीन लेवल में चेंज कर देगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो इंटरव्यू वगैरह होता है या जो एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, आप बीटेक एग्जाम दोगे, ग्रेजुएशन में कोई भी एग्जाम दोगे अगर इससे रिलेटेड सी से, तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं, तो फॉर थ्योरेटिकल पर्पस मैं ये सब बता दे रहा कि असेंबली लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, असेंबलर क्या होता है, लिंकर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो असेंबलर का काम क्या होता है, जो असेंबली लेवल प्रोग्राम होता है उसको असेंबलर कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल में, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो कि कंप्यूटर रन कर देता है। ठीक है, तो इस लैंग्वेज के साथ क्या प्रॉब्लम, इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम रही होंगी, तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, जैसे हम कोड लिखेंगे बहुत बड़ा कोड हो जाएगा किसी भी प्रोग्राम का, तो जो बहुत सारा कोड हो जाएगा जब उसे हम रन करने जाएंगे, तो मान लीजिए कहीं इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जो मान लीजिए सिंटैक्टिकल प्रॉब्लम कर दिया आपने कि कॉमा नहीं लगाया, प्रिंट एफ गलत लिख दिया है, तो जैसे कोड एरर देगा ना, तो बहुत बड़े कोड में एरर फाइंड करना मुश्किल होता है। ठीक है, कि इस लाइन में क्या हो रहा है, फिर इस लाइन में क्या हो रहा है, तो बहुत सारे प्रोग्राम को जब आप रन करने जाओगे ना कंप्यूटर पे, तो अगर कहीं एरर आ रही होगी तो फाइंड करना मुश्किल होगा, उसे ही डीबगिंग कहते हैं, जब आप चेक कर रहे होते हैं ना कि हमारा इस लाइन में कहाँ गलत है, क्या कोड है, ठीक है,
क्या कर रहा है, तो उसे डिबगिंग कहते हैं। तो डिबगिंग जब करोगे ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक। अभी जब आप करोगे ना, प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें समझ में आएगा डिबगिंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ एरर आ रही, क्या काम हो रहा है उसका, तो डिबगिंग मुश्किल हो जाती है। और अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आपको डिबगिंग करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई भी कोड लिखते हो तो पहली बार में ही एकदम सही नहीं हो जाएगा, तो आपको चेक भी करना होता है कि हमारा कोड अगर सही आउटपुट नहीं दे रहा है तो कहाँ पे गलत है। अगर आपको ये आ गया तो आप प्रोग्रामर बन गए, ठीक है। ठीक है, तो इसमें डीबगिंग मुश्किल होती है, फाइन। डीबगिंग प्रॉब्लम करती है, डीबगिंग बहुत टफ होती है करना इसमें। तो एक प्रॉब्लम तो हो गई कि डीबगिंग करना मुश्किल हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप जो असेंबली लेवल कोड लिखोगे तो वो कोड क्या होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिपेंडेंट होता है। मतलब डिपेंडेंट, जैसे आपने कोई असेंबली लेवल प्रोग्राम लिखा कंप्यूटर ए के लिए, ठीक है। अगर यही प्रोग्राम आप कंप्यूटर बी पे चलाओगे जाके, जिसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ डिफरेंट होगा, मेमोरी आर्किटेक्चर कुछ डिफरेंट होगा, तो ये कोड उस पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आजकल आप क्या चाहते हो कि एक कोड हम लिखें तो किसी भी कंप्यूटर पे चलाया जाके तो वो सेम आउटपुट दे, ठीक है। तो ये इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी असेंबली लेवल, ठीक है, असेंबली लेवल के साथ। तो असेंबली लेवल भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए इसको हटा दिया गया, इसको यूज नहीं किया गया। उसके बाद आई फिर हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, ओके। हाई लेवल लैंग्वेज क्या था, जैसे आप एग्जांपल लो कि हमें 5 और 6 को ऐड करना है, तो सिंपल है, बीच में ऑपरेटर लगा दो जो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं प्राइमरी से, तो वो था 5 + 6 कर दो तो वो 11 आ जाता है। तो सिंपल एक ऑपरेटर यूज कर लो बीच में। ऑपरेटर क्या है, जब भी आप कोई कंप्यूटर बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उसमें ऑपरेटर्स आपने देखे ही होंगे, प्लस माइनस लाइक दैट, तो वो समझना आसान होता है, ठीक है। तो उसके लिए हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग नहीं करना पड़ता, ठीक। तो ये पहली चीज कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, आप आराम से समझ सकते हो कि ये 5 + 6 है। दूसरी चीज बहुत आसान है, इसको पढ़ना भी हाई लेवल लैंग्वेज, इसको वो अभी आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, इजी है, ठीक है। इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि जैसे इसको अगर कंप्यूटर पर रन करना है तो हमें पहले मशीन लेवल कोड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है अगर हमें मशीन लेवल में, ठीक है, जो कि मशीन लेवल कोड होगा वो हमारा कंप्यूटर पे रन होगा। तो जो कन्वर्ट करने के लिए इसमें दो तरीके हैं, उसमें असेंबलर यूज हुआ था, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कंपाइलेशन, ठीक है। दूसरी चीज होती है इंटरप्रेटर, या इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन। जब भी आप कोई भी इंटरव्यू दोगे या आप कोई भी एग्जाम दो, वहां पे ये चीजें जरूर पूछी जाती हैं कि डिफरेंस क्या होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। इंटरव्यू में भी जाएंगे तब भी पूछा जाएगा, एग्जाम में जाओगे तब भी पूछा जाएगा। तो इनके जो डिफरेंसेस हैं वो हम अभी डिटेल में देख लेंगे, ताकि ये चीज आपकी क्लियर रहे कि हम कब इंटरप्रिटेशन यूज करेंगे और कब कंपाइलेशन यूज करेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी इसका डिफरेंस बताने से पहले मैं ये बता दूं कि इसके बाद फिर मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बनाई गई, ताकि जो हाई लेवल और लोअर लेवल जो लैंग्वेजेस हैं उन दोनों की अगर हम यूज कर लें तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर हम एक कंपैरिजन और देखें कि जो हमारा मशीन लेवल कोड है, ठीक, जो मशीन लेवल कोड है जिसे कंप्यूटर जानता है, तो अगर कोई प्रोग्राम हम मशीन लेवल कोड में लिखेंगे तो जाहिर सी बात है वो कंप्यूटर जल्दी से रन कर देगा, हमें चेंज करने की, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें कि टाइम क्या लगेगा, तो सबसे कम टाइम जो हमें लगेगा वो मशीन लेवल कोड में लगेगा, ठीक है। फिर हम दूसरी बात करें कि जो हमारा असेंबली लेवल था, उसके बाद असेंबली लेवल होगा, क्योंकि वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल तो है,
बट थोड़ा थोड़ा मशीन लेवल कोड से मिलता, जैसे इंस्ट्रक्शन थी ऐड 5,6, तो ऐड भी एक तरह का मशीन लेवल ही हो रहा है, ठीक है। तो जो असेंबली थी वो मशीन लेवल कोड की तरफ ज्यादा कह सकते हैं मिलती जुलती है, क्योंकि देखिए उसमें भी है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिपेंडेंट थी, कि हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर उसका पता है पूरा, तभी हम उसके लिए असेंबली कोड लिख पाते थे, ठीक। तो वो भी उसके भी एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा उससे मशीन लेवल से तो ज्यादा होगा, बट हाई लेवल से कम होगा, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट ही है, वो ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा बनाई गई है, ठीक है। क्योंकि सभी अब सभी लोग हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं, फाइन। यही तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज आई थी, कि हम लोग सारे लोग प्रोग्राम आसानी से बना सकें, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन टाइम की बात करें तो सबसे पहले मशीन लेवल, उसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है, उसके बाद असेंबली लेवल, ठीक है, उसके बाद हाई लेवल, फाइन। तो इस तरह जो लैंग्वेजेस है उनका क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम बात करेंगे ये कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी पर्पस से भी, इंटरव्यू के भी पर्पस से, और जो आप लोग बीटेक वगैरह और जो एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी। देखिए जो हमारा कंपाइलेशन होता है, ठीक है, वो किसके थ्रू करते हैं, कंपाइलर के थ्रू करते हैं, ठीक। और जो हमारा इंटरप्रिटेशन होता है, इंटरप्रिटेशन वो किसके थ्रू होता है, इंटरप्रेटर के थ्रू, ठीक है। जो हमारा कंपाइलर होता है उसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जो प्रोग्राम होता है उसे हम कह लेते हैं सोर्स कोड, ठीक है। प्रोग्राम जो होता है उसे हम कहते हैं सोर्स कोड, जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज या किसी में लिखा हुआ प्रोग्राम है उसे सोर्स कोड कहेंगे, ठीक। तो ये क्या करता है, जो हमारा सोर्स कोड होता है उसकी प्री प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। जो हमारा सोर्स कोड होता है उसकी पहले प्री प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है प्री प्रोसेसिंग मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद जो इससे प्री प्रोसेसिंग के बाद बनता है वो होता है ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग के बाद क्या बनता है, ऑब्जेक्ट कोड, जो प्री प्रोसेसिंग होने के बाद कोड बनता है उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। इसकी प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलता है, इसकी प्रोसेसिंग जब होती है तो हमें मशीन कोड मिलता है, ठीक है। जो ये हमारा ऑब्जेक्ट कोड कोड होता है उसे हम लोग इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ठीक। तो जब एग्जाम में आपको लिखना हो तो ऐसे ही आप बता सकते हो कि कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले जो हमें प्रोग्राम मिलता है हाई लेवल लैंग्वेज में जिसे सोर्स कोड कहते हैं उसकी प्री प्रोसेसिंग होती है। प्री प्रोसेसिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो भी आपने यहाँ प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम में इनिशियली में जैसे आपने लिख तो इंक्लूड, ठीक, इंक्लूड हैश इंक्लूड करके लिखते हो, यहाँ हैश सिंबल का मतलब होता है कि प्री प्रोसेसर यूज हो रहा है। वो प्री प्रोसेस क्या करना है, जो भी आप यहाँ पे कोनियो डॉट एच या जो भी फाइल इंक्लूड करते हो उसकी पहले प्री प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो उस प्री प्रोसेसिंग के बाद जो हमें मिलता है वो ऑब्जेक्ट कोड होता है। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, अभी से आप मत समझ लीजिए कि एक इंटरमीडिएट कुछ कोड होता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस तरह इंटरमीडिएट कोड मिलेगा जिनको अगर हम कंबाइन करेंगे या जिन्हें हम लिंक करेंगे, ठीक है। जब हम इनको लिंक करेंगे किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से, लिंकर की हेल्प से, हमें लिंकर चाहिए होगा जो इन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लिंक करके एक पर्टिकुलर मशीन कोड में चेंज कर देगा, प्रोसेसिंग के बाद मशीन कोड में चेंज कर देगा,
ठीक है, मशीन कोड में चेंज कर देगा। तो ये काम होता है लिंकर का, जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड बनते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कोड होता है, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक काम होता है, उन सभी ऑब्जेक्ट को लिंक करके मशीन कोड बना देता है, वो लिंकर का काम होता है, असेंबलर में बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद प्री प्रोसेसिंग के बाद मशीन कोड हमें मिल जाता है। प्री प्रोसेसिंग पता चल गई, लिंकर पता चल गया, मशीन कोड में चेंज हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कंपाइलर का काम। ठीक, कंपाइलर के बाद क्या करेंगे हम, देखेंगे कि आखिर फिर इंटरप्रेटर में क्या होता है। इंटरप्रेटर में क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम होता है, सोर्स कोड, ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम या सोर्स कोड जिसे कहते हैं, प्रोग्राम का ये सोर्स कोड, उसकी क्या होती है, प्री प्रोसेसिंग होती है। ठीक वैसे ही, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग होती है। प्री प्रोसेसिंग के बाद क्या मिलता है हमें, इंटरमीडिएट कोड मिलता है। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड मिलता है, ये इंटरमीडिएट कोड होता है, ना कि ऑब्जेक्ट कोड होता है, तो इसमें हमें लिंकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल इसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। किस चीज के लिए, कन्वर्जन के लिए, कि इंटरमीडिएट कोड को हम मशीन लेवल कोड में चेंज कर दें, किसी तरह की लिंकिंग की हमें जरूरत इसमें नहीं मिलती है, नहीं जरूरत होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंपल इंटरप्रिटेशन। अब देखते हैं कि हमारा इंटरप्रिटर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, और कंपाइलर डिफरेंट डिफरेंट वे में कैसे काम करते हैं, दोनों में क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या एडवांटेज है। ठीक है, ये सिंपल तरीका है कि हमारा इंटरप्रिटर सोर्स कोड को लेता है, वैसे ही प्री प्रोसेसिंग कर देता है, हैश वाली फाइल्स को इंक्लूड कर लेता है, फिर इंटरमीडिएट कोड बनाता है, इंटरमीडिएट कोड चेक करता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एरर तो नहीं आ रही, तो इंटरमीडिएट कोड सिंटैक्स एरर या कोई भी एरर हो तो उसे नहीं है, तो उसे इंटरमीडिएट कोड में चेंज करता है, फिर उसे मशीन लेवल कोड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरप्रिटर। इंटरप्रिटर के बाद अब डिफरेंस देखते हैं कैसे क्या होता है। जैसे हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक प्रोग्राम है जिसमें ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये तीसरा स्टेटमेंट है, चौथा, पांचवा, इस तरह 3, 4, 5 एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, प्रोग्राम का हो या सोर्स कोड का हो, तो इसमें क्या करेगा, जब हमारा कंपाइलर आएगा, ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा, पूरा प्रोग्राम, ठीक है, पूरा प्रोग्राम उठाएगा और उसे कंपाइल करेगा। ठीक, कंपाइल करेगा, एक साथ जब कंपाइल करता है तो सबसे पहले वो चेक करता है कि प्रोग्राम में कहीं कोई एरर तो नहीं है, सिंटैक्स एरर या कोई भी एरर तो नहीं है। तो ये क्या करता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो, स्कैन्स ऑल द स्टेटमेंट्स और फुल प्रोग्राम एट अ टाइम, दैट मींस पूरा प्रोग्राम उठाएगा और उसे स्कैन करेगा। जबकि हमारा इंटरप्रिटर क्या करता है, इंटरप्रिटर क्या करेगा, पूरा प्रोग्राम ना करके सिंपल पहले पहला स्टेटमेंट उठाएगा, कंप्यूटर पे रन करा देगा। ठीक, पहला रन कराया, उसके बाद दूसरा उठाएगा, दूसरा कंप्यूटर पे रन कराया, तीसरा, इस तरह एक एक स्टेटमेंट उठाता है और एक एक स्टेटमेंट कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करता जाता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये हो गया, कंपाइलर फुल प्रोग्राम उठाता है और पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कंपाइल करता है, जितनी भी एरर आएंगी एक साथ वो दे देगा, इस लाइन में ये प्रॉब्लम, इस लाइन में ये प्रॉब्लम, इस लाइन में ये प्रॉब्लम। ठीक है, ये नहीं होगा कि इस लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो यहीं रुक जाए और कह दे भैया इस लाइन में प्रोग्राम में मैं आगे नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा, ये पूरा प्रोग्राम करेगा और सारी एरर दे देगा। इंटरप्रेटर क्या करता है, इसने ये प्रोग्राम, ये लाइन उठाई, स्टेटमेंट उठाया, कंप्यूटर पर रन कराने गया, तो वहां देखा इसने कि इससे पहले कि इस लाइन में, इस स्टेटमेंट में यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो यही रुक जाएगा, ठीक है, और एरर दे देगा, एग्जीक्यूशन रोक देगा। तो ये काम होता है इंटरप्रेटर का, ये कंपाइलर का। तो पहला डिफरेंस हो गया प्रोग्राम एज अ होल एंड लाइन बाय लाइन। ठीक है,
ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया जो जो सभी को पता होता है कि ऐसा ऐसा काम होता है कि इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन करता है और हमारा जो कंपाइलर होता है वो फुल प्रोग्राम एज अ टाइम एट अ टाइम करता है। दूसरा डिफरेंस आप देख सकते हैं टाइम कि कौन ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो जो हमारा कंपाइलर होता है सीधे पूरा प्रोग्राम उठाता है और उसे कंपाइल करता है। ठीक है, तो और हमारा जो इंटरप्रेटर होता है वो एक एक लाइन उठाता है। ठीक है, तो जब वो एक एक लाइन उठाता है एग्जीक्यूट करता है तो ऐसा लगता तो है कि बहुत कम टाइम ले रहा है, बट कंपेरेटिवली जब एज होल देखेंगे ना, पूरे स्टेटमेंट्स देखेंगे, पूरा जो होल एग्जीक्यूशन टाइम अगर देखेंगे दोनों का, जैसे उसने पूरी लाइंस कर ली हैं, तो ये कंपेरेटिवली फास्टर होता है। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि ओवरऑल टाइम टेकन बाय द कंपाइलर विल बी लेस देन इंटरप्रेटर, दैट मींस कंपाइलर इज फास्टर देन इंटरप्रेटर। ठीक है, ओके, दूसरा डिफरेंस हो गया कि हमारा कंपाइलर फास्टर है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस ये होता है कि मेमोरी यूजेस, ये तो हम देखेंगे कि कोई भी अगर एग्जीक्यूशन या कोई भी प्रोग्राम रन करा रहे हैं तो उसमें ये देखेंगे कि अगर उसी प्रोग्राम को कंपाइलर यूज करते हैं, इंटरप्रेटर यूज करते हैं, तो देखेंगे कि कौन है जो कम मेमोरी यूज करता है और हमारा प्रोग्राम रन कर देता है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हम देख चुके हैं कि जो हमारा कंपाइलर होता है वो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, फिर इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड की लिंकिंग करता है, लिंकिंग करने के बाद उसे मशीन लेवल कोड में चेंज करता है। तो ये जो लिंकिंग का वर्क होता है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है, तो जो एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है इसी वजह से जो हमारा कंपाइलर होता है जो मेमोरी यूज करता है वो ज्यादा यूज करता है किससे, इंटरप्रेटर से। इंटरप्रेटर में कोई भी लिंकिंग का काम नहीं होता है, इसलिए उसमें मेमोरी ज्यादा नहीं चाहिए होती। एक स्टेटमेंट लिया और एक स्टेटमेंट के लिए रैम की मेन मेमोरी का हमें कितनी थोड़ी सी जरूरत होती होगी, यहाँ पूरा प्रोग्राम पहले इस कंपाइल कर रहा है तो हमें ज्यादा मेमोरी की जरूरत है। तो तीसरा डिफरेंस ये हो गया कि कंपाइलर को ज्यादा मेमोरी जरूरत होती है। ठीक है, तो थर्ड डिफरेंस हो गया मेमोरी यूसेज का। फोर्थ हम डिफरेंस अगर देखें, फोर्थ डिफरेंस देखते हैं तो एरर कब जनरेट होता है। ठीक है, मान लो आपके पास पूरा प्रोग्राम है, बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, पूरा प्रोग्राम स्कैन कर लेगा, उसके बाद हमारी एरर जनरेट होगी पूरे प्रोग्राम के लिए। ठीक है, उसके बाद हम इंटरप्रेटर में देखते हैं तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग वन लाइन, वो पहली लाइन उठाएगा, पहला स्टेटमेंट उठाएगा, वो देखेगा कि ये प्रोग्राम ये लाइन जहां तक सही है बस वहां तक एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन में जहां भी उसे प्रॉब्लम दिखती है उसके बाद वो स्टॉप कर देता है अपना एग्जीक्यूशन। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया चौथा। पांचवा डिफरेंस क्या होता है, हमने अभी डीबगिंग की बात की थी, ओके, डीबगिंग की बात की थी, ओके, डीबगिंग इसमें हार्ड होती है, टफ होती है, ठीक है, इसमें इजी होती है। कैसे, किसी लाइन में आपको अगर प्रॉब्लम पता करनी हो, किसी एक लाइन में एग्जीक्यूट हो रहा है, एक लाइन में अगर हमें प्रॉब्लम देखनी हो तो बहुत इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। पूरे प्रोग्राम में अगर हमें पता करना हो कहाँ पे एरर है, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना थोड़ा टफ होता है। ठीक, तो हमारी डीबगिंग हार्ड होती है और इसमें इंटरप्रेटर में डीबगिंग इजी होती है। तो ये जो चार पांच डिफरेंस हैं, अगर आपको पता दो तीन भी आपने बता दिए तो इंटरव्यू बहुत इजी से इंप्रेस हो जाएगा। किसी एग्जाम में अगर पांच आपने लिख दिए चार पांच तो आराम से आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कंपाइल्ड लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, तो हमारी सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए कंपाइल्ड लैंग्वेजेस के। अगर हम लोग इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस की बात करें तो हमारा पाइथन हो गया, थोड़ा पाइथन हो गया,
ओके रूबी हो गया, तो ये हमारे एग्जांपल हो गए इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस के, और ये हमारा हो गया कंपाइलर का सी और सी प्लस प्लस। तो हमारा जो सी प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे वो कंपाइल होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंपैरिजन लैंग्वेजेस का कि हमारी कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, क्यों यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। असेंबलर का क्या यूज है, ठीक, असेंबलर हो गया। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनको आप जरूर याद कर लेना, समझ लेना, देख लेना, ठीक है। असेंबलर हो गया, लिंकर हो गया, ठीक है, और कंपाइलर हो गया, ठीक है, कंपाइलर हो गया और इंटरप्रेटर हो गया। आप किसी भी एग्जाम में बैठो, किसी भी इंटरव्यू में बैठो, आपको इन चारों में से एक कोई वहां मिल जाएगा जिसके बारे में कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। तो सेकंड लेक्चर तो बेसिक ये तो हो ही गया बताने के लिए। अब हम बात करेंगे कि अब बेसिकली अब स्टार्ट करेंगे ये कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स वगैरह, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, ओके।